बॉलीवुड की हमेशा से आदत रही है कि भाई वो ना कंट्रोवर्सी किए बिना मानेंगे नहीं। और एक बार फिर से ये कंट्रोवर्सी के अंदर आ गई अक्षय कुमार की अपकमिंग मूवी पृथ्वीराज, जिसके टाइटल को लेके करणी सेना ने कहा है कि इसके टाइटल को चेंज कर दीजिए। अब यहाँ पर जब मैं इसके बारे में सर्च कर रहा था तो ट्विटर पे एक जो न्यूज मुझे मिली वहां पर लिखा हुआ था कि अब पद्मावत के बाद करणी सेना जो है वो टारगेट कर रही है पृथ्वीराज को। यहाँ पर एक वर्ड के ऊपर ध्यान देना जिन्होंने इन्होंने लिखा टारगेट कर रही है, मतलब ये करणी सेना डार्क साइड में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये टारगेट करते रहते हैं, ये काम नहीं करने देते, ये गुंडे हैं, ऐसा इसके अंदर बताया गया। और इवन कमेंट भी ऐसे ऐसे दिखाए गए हैं वहां पर, लिखे हैं लोगों ने ट्विटर के ऊपर। अगर तुम बॉलीवुड को देखो ना तो उनकी मूवीज को देखो यार, वो हर बार हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के रिप्रेजेंट करते हैं। जो इनकी मूवी आई थी पानीपत, उसके अंदर जो जाट महाराजा सूरजमल थे उनको एक गलत साइड में रिप्रेजेंट कर दिया था। अब भाई साहब ये जो इनकी तो आदत रहती रहती है कि हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के रिप्रेजेंट करेंगे ही करेंगे। और अब ये जो मूवी है पृथ्वी राज, इसको लेकर करणी सेना ने बस यही बोला है कि भाई रिस्पेक्ट दीजिए आप नाम को। करणी सेना के यूथ विंग के जो प्रेसिडेंट है सुरजीत सिंह राठौर, उन्होंने कुछ डिमांड रखी है इनके नाम को लेकर। उन्होंने यही कहा है कि आप पहले इनका जो नाम है वो चेंज कर दीजिए, नाम जो है वो पृथ्वीराज से बदलकर वीर योद्धा सम्राट पृथ्वीराज चौहान रख दीजिए। अब ये नाम सुनकर देखो यार कितना गर्व महसूस हो रहा है, और मुझे नहीं लगता है कि इसके अंदर कोई गलत चीज है कि नाम में चेंज कर देना कोई बड़ी चीज आ जाती। वैसे कि हमारा कर्तव्य बनता है कि जो हमारे योद्धा हैं जिन्होंने बहुत वीरता के साथ लड़ाई लड़ी है, हम उनको रिस्पेक्ट दें, सम्मान से उनका नाम बोले और नाम बोलते वक्त गर्व महसूस हो, तो इसमें कोई भी चीज गलत नहीं है। दूसरी बात इन्होंने बोली कि ये मूवी जब भी आए मतलब थिएटर में से आने से पहले पहले इसको जो राजपूत समुदाय है उनको दिखाए जाए। अब उनको इस बात की चिंता है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर पद्मावत में जैसे हुआ था उनको लगा था कि इसके अंदर कहीं इतिहास को तोड़ मरोड़ के इन्होंने रिप्रेजेंट ना कर दिया। वैसे बात इनकी भी सही है राजपूत समुदाय की, जिन्होंने कहा है कि भाई बॉलीवुड हमेशा से करता आया है यार, पानीपत की मूवी का उदाहरण देख लो यार, इवन बहुत सारी मूवीज है जो हिस्ट्री के ऊपर ये बनाते हैं जहां पर ये इतिहास को तोड़ मरोड़ के अलग ढंग से वो रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इन्होंने कहा है कि ये जो मूवी थिएटर में से जाने से पहले एक बार राजपूत समुदाय को दिखा दी जाए। इस बात को लेकर इनकी जो डिमांड को लेकर कैसे ट्विटर के ऊपर इन्हीं के ऊपर कहा जा रहा है कि गुंडे हैं इनको बैन कर देना चाहिए, भाई साहब ये किसी से फिरौती नहीं मांग रहे, ये बस ये कह रहे रिस्पेक्ट करिए आप, इसके अंदर कोई भी गलत चीज नहीं बोली है। खैर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।